क्राइम ब्रांच ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो गिरोहों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 7 आरोपी काबू किए हैं। चोरी की 20 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पंचकुला में डीसीपी मोहित हांडा ने आज जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच इंचार्ज डीएसपी अमन कुमार के नेतृत्व में उनकी टीम के सदस्य एएसआई प्रदीप कुमार, पीएसआई सतीश कुमार, एएसआई रमेश कुमार, मुख्य सिपाही गोपाल सिंह, मुख्य सिपाही जितेंद्र पाल और सिपाही साहिल द्वारा गहनता से छानबीन करते हुए पंचकुला शहर और ट्राइसिटी के अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो गिरोहों का पर्दाफाश किया है। टीम ने डीएसपी अमन कुमार जो हैं उनकी टीम ने इसको बस्ट किया है। इसमें इस गैंग में अभी तक जो हैं वो 4 जो मुलजिम हैं वो उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनमें विकास उर्फ रोहित हैं, ये बिटना कॉलोनी पिंजौर के हैं। भरत उर्फ नेपाली हैं, ये भी विश्वकर्मा कॉलोनी पिंजौर का रहने वाला है। धीरज ये भी सैनी मोहल्ला पिंजौर से हैं, और कमल उर्फ धोता ये भी सैनी मोहल्ला पिंजौर से हैं। इन जो मुलजिमों से हमने 11 मोटरसाइकिल जो हैं वो बरामद किए हैं। इनका भी गैंग था और ये चुरा के आगे अन्य जो कबाड़ी थे, कुछ पिंजौर के क्षेत्र में ही हैं, कुछ हिमाचल के क्षेत्र में, वहाँ पे दे देते थे। और इनके साथ कुछ जो इनकी गाड़ियाँ थी वो इन्होंने काटी भी हैं, और वो तोड़ के लगभग ऐसी 4 जो मोटरसाइकिल हैं वो ऐसी बरामद हुई हैं जिनको इन्होंने कर दिया था। उनके भी कुछ हिस्से पुर्जे जो हैं वो हमने बरामद किए हैं। तो कुल मिला के ये जो दोनों गैंग्स हैं, इससे क्राइम 26 की टीम ने, जिसको अब पहले इंस्पेक्टर और अब डीएसपी अमन कुमार जिसको हेड कर रहे हैं और जिसकी सुपरविजन एसीपी विजय राजकुमार कर रहे हैं, कुल मिला के 20 मोटरसाइकिल्स और 4 उनमें से ऐसी हैं जो कटी थी, और एक शीशा तोड़ के जो सामान चुराने वाली जिसमें बैग चुराया गया था वो वारदातें जो हैं वो हल हुई हैं। किन-किन इलाकों में सर ये करते थे वारदात? देखिए, जो दूसरा गैंग जिसमें मैंने 4 लोग बताए, वो ज़्यादातर पिंजौर कालका क्षेत्र के ही ये एरियाज़ हैं, वहीं पे ही एफआईआर्स दर्ज हैं। उन एफआईआर्स का जो ब्यौरा है वो भी आपको दे देंगे। और जो ये वाला गैंग है, इनका सुनील और रमन वाला, ये मुख्य तौर पे सिटी एरिया में भी ऑपरेट करते थे और बाकी अन्य थानों में भी इनके चोरी के मुकदमे दर्ज हैं।